स्वराज्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रूस ने कोविड 19 के लिए बनाई गई स्पुतनिक वी वैक्सीन को आम नागरिकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शीघ्र ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन भेजी जाएगी। यह वैक्सीन गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा बनाई गई है। मंत्रालय के अनुसार आवश्यक गुणवत्ता जांच में खरे उतरने के बाद वैक्सीन को आम नागरिकों को देना शुरू किया जा रहा है। 11 अगस्त को वैक्सीन की घोषणा की गई और साथ ही पंजीयन किया गया था। रूस की राजधानी मॉस्को के अधिकांश लोगों को कुछ महीनों के भीतर टीका लगा दिया जाएगा। अब भारत सहित सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फिलीपींस और ब्राजील में भी रूसी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। भारत की वैक्सीन उत्पादन की क्षमता को देखते हुए रूस, भारत सरकार, संबंधित मंत्रालय और भारत की शीर्ष विनिर्माता कंपनियों से भी बातचीत कर रहा है।